नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से पीसी या लैपटॉप में विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर सीख सकते हैं कि हम किस प्रकार से एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के बाद दोस्तों हमें उस पेन ड्राइव को अपने पीसी में कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों हमारा पीसी ऑफ होना चाहिए, हम उसे ऑन में नहीं लगा सकते। दोस्तों पीसी में कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर कीबोर्ड का F10, F11 और F12 को एक साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अपने पीसी को ऑन कर लेंगे। ऑन करते ही दोस्तों हमें यहाँ पर अपने कीबोर्ड का F10, F11 और F12 एक साथ प्रेस करना है। प्रेस करते रहना है दोस्तों। प्रेस करते रहने के बाद हमें दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर सैंड डिस्क पेन ड्राइव पर ले लेता हूँ और लेने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद थोड़ा हम दोस्तों यहाँ पर वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद हमें यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों हम यहाँ पर विंडो सेटअप पर क्लिक करेंगे। आप दोस्तों विंडो सेटअप पर ही क्लिक करें। मैं यहाँ पर नीचे वाले आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। अगर दोस्तों आप नीचे वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, रुको एक मिनट रुकिए, ये लोड हो रही है दोस्तों विंडो हमारी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं इसी सेटिंग की बात कर रहा था जो आपको वहाँ पर इस पर देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर दोस्तों आप विंडो 7 अल्टीमेट 64 पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप दोस्तों ऊपर वाले अल्टीमेट ESPi रिलेटेड रिलेशन 36 पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ 64 बिट पर विंडो इंस्टॉल करना चाहता हूँ। और दोस्तों हम यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दिए। फिर हम दोस्तों यहाँ कस्टम पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपनी हार्ड डिस्क शो होगी। इसके बाद दोस्तों हम हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर क्लिक करके हम यहाँ पर ड्राइव पर क्लिक कर देंगे। ड्राइव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इसे यहाँ से फॉर्मेट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये हमारी हार्ड डिस्क यहाँ पर फॉर्मेट हो चुकी हैं। फॉर्मेट होने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी यहाँ पर विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों आप यहाँ पर पीसी या लैपटॉप को बिल्कुल भी क्लोज नहीं करें क्योंकि आपका प्रोसेस बीच में भी रुक सकता है। दोस्तों आपको पीसी या लैपटॉप को ऑन रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें 10-15 मिनट लग सकते हैं दोस्तों इंस्टॉल होने में। इसके बाद दोस्तों आपका पीसी यहाँ पर रीस्टार्ट होना अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मेरा पीसी यहाँ पर रीस्टार्ट होना शुरू हो चुका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मेरा पीसी यहाँ पर रीस्टार्ट हो रहा है दोस्तों। दोस्तों आप वीडियो को बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें। अगर दोस्तों हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो। इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर सेटअप स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद दोस्तों
यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा पीसी वापस दोबारा से रीस्टार्ट होने लग जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपने पीसी का नाम रख देंगे दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ, आप भी दोस्तों यहाँ पर अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ जैसे कि कृष्णा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। अगर आप अपनी विंडो में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पासवर्ड भी दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं यहाँ पर पासवर्ड नहीं लगाना चाहता तो इसलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर आस्क मी लेटर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपने कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर चेन्नई कोलकाता को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ये चेन्नई कोलकाता मुंबई को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है और हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी विंडो यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो चुकी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारी विंडो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा पीसी यहाँ पर अपने आप रीस्टार्ट होना शुरू हो चुका है दोस्तों। रीस्टार्ट होने के बाद दोस्तों आपकी विंडो अच्छी तरह से वर्क करेगी दोस्तों। धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।